नमस्कार मेरे प्यारे साथियों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज में आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चेन सर्वेइंग ये हमारा सर्वे का सेकंड चैप्टर है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं चेन सर्वेइंग क्या होती है प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग क्या होता है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जैसे सर्वे स्टेशन क्या होता है मेन लाइन क्या होती है बेस लाइन क्या होती है चेक लाइन और टाई लाइन इन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बाकी रिमेनिंग पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे आइए स्टार्ट कर दें आज की वीडियो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिए साथ ही साथ बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इन सबका बेनिफिट उठा सकें चेन सर्वेइंग और चेन ट्राइंगेशन ये आके टर्म्स कहाँ से हमारी जनरेट हुई ये हमारे एक सर्वे का पार्ट है जिसमें हम लेंथ की मेजरमेंट चेन के द्वारा लेते हैं ओके इट इज़ ए टाइप ऑफ सर्वेइंग ऑन विच ओनली लीनियर मेजरमेंट्स आर टेकन इन द फील्ड एंड नो एंगुलर मेजरमेंट्स आर टेकन ओके इसमें हम कोई भी एंगुलर यानी कि कोई भी जिसमें एंगल हो वो हम मेज़रमेंट नहीं कवर करते हैं ओनली हम लाइन की लेंथ ही मेज़र करते हैं ओके सिंपल टाइप का ये सर्वे होता है और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट ना हो ओनली हम कह सकते हैं रफ सर्वे में इसका हम यूज़ करते हैं ओके चेन सर्वेइंग इज़ सुटेबल इसको हम सूटेबल कब मानते हैं जब एरिया काफ़ी छोटा हो ओके द फॉर्मेशन ऑफ वेल कंडीशन ट्राइंगल इज़ ईजी ओके इसका क्या मतलब है जब हम पूरे के पूरे एरिया को छोटे छोटे ट्राइंगल्स में डिवाइड कर सकें और उसको ईजीली हम कवर कर सकें तो ये उसका मतलब है ग्राउंड सरफेस इज़ मोर और लेस लेवल ओके लेवल सरफेस हो तब ही हमारा ये मोस्टली यूज़ किया जाता है ए स्मॉल स्केल मैप इज़ टू बी प्रिपेयर जब हमें कोई स्मॉल स्केल मैप को तैयार करना होता है तब हम चेन सर्वेइंग का यूज़ करते हैं ओके चेन सर्वेइंग अनसूटेबल कब होता है जब एरिया काफ़ी बड़ा हो सर्वे का ओके okay? द फॉर्मेशन ऑफ वेल कंडीशन ट्राइंगल बिकम डिफिकल्ट ड्यू टू ऑब्रकल्स ओके जब राइट एंगल ट्राइंगल या फिर कोई भी ट्राइंगल वहाँ पर फॉर्म करना थोड़ा मुश्किल हो क्योंकि वहाँ पर सेप हमारी ज़मीन की उबड़ खाबड़ है ऊपर नीचे है ओके okay? तब हम इसको यूज़ नहीं करते द एरिया इज कंसिस्ट ऑफ टू मैनी अंडुलेसन ओके जब एरिया काफ़ी उबड़ खाबड़ है ऊपर ऊँचा नीचा हो काफ़ी पहाड़ियाँ हैं काफ़ी खाइयाँ हैं तो वहाँ पर भी हम चेन सर्विंग का यूज नहीं करते द एरिया इज़ कवर्ड विद मैनी डिटेल्स ओके जब एरिया में काफ़ी सारी डिटेल्स हों तब, तब भी हम इसका यूज़ नहीं करते ओके okay? ये इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं चेन सर्वेइंग के आइए आगे, आगे देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग ये क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसमें हम किसी भी लैंड एरिया को जो हमें सर्वे करना हो उसको हम छोटे छोटे ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देते हैं ओके okay, तो इसीलिए हम इसको ट्रायंगुलेशन भी बोलते हैं द प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्विंग इज ट्राएंगुलेशन ओके विच मीन्स इट डिवाइड्स द होल एरिया इन नेटवर्क ऑफ ट्राइंगल्स ऑफ सुटेबल साइड ओके जैसे ये हमारा कोई एरिया है ये हमें कवर करना है और हमने इसको क्या किया छोटे छोटे ट्राइंगल्स में इसको हम डिवाइड कर दिया एक ये ट्राइंगल हुआ एक ये ट्राइंगल एक ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल में इसको डिवाइड करने का फ़ायदा क्या होता है हम इसकी लेंथ को ईजीली मेजर कर सकते हैं और इसका एरिया और जो भी इसमें पर्टिकुलर डिटेल्स हो उसको हम अच्छे से मेंशन कर सकते हैं अपने मैप में ठीक है तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं सिंस ट्रायंगल इज ओनली द सिंपल फिगर विच कैन बी प्लोटेड बाय मेजरिंग इट्स साइड ओनली ओके उसकी साइड से हम उसको मेज़र कर सकते हैं ट्रायंगल की लेंथ को और लेंथ से ही हम उसका एरिया निकाल सकते हैं ठीक है टू गेट गुड रिजल्ट इन फ्लोटिंग द फ्रेमवर्क शुड कंसिस्ट ऑफ ए ट्रैंगल विच आर नियरली इक्विलेटरल एज पॉसिबल हमें इसका ट्राई करना होता है कि मोस्टली जो हम ट्रैंगल उसमें बनाए वो हमारे इक्विलेटरल हों ओके okay? ये इसमें प्रिंसिपल है हमारा चेन सर्विइंग का कि ट्रैंगुलर शेप के आकार में हम अपने पूरे के पूरे सरफेस एरिया को डिवाइड कर दें छोटे छोटे ट्राइंगल्स में उसको डिवाइड कर दें और फिर हम शुरू करते हैं अपना सर्वे तो ये होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वे डेफिनेशन कुछ इसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जैसे सर्वे स्टेशन क्या होता है ठीक है तो सर्वे स्टेशन क्या होता है एक टाइप का ये स्टेशन होता है जैसे इसमें भी दो टाइप के होते हैं मेन स्टेशन और सब्सिडरी स्टेशन आप फिगर में देखेंगे तो अच्छे से समझेंगे ये देखिए मेन स्टेशन मेन स्टेशन क्या होता है जैसे ये हमारा एक लैंड एरिया है इसको हमें सर्वे करना है ठीक है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं जंगल हैं फॉरेस्ट एरिया है ठीक है थीके? और रेजिडेंशल एरिया है कोई खाई है कोई हिल एरिया है तो वो सारी चीज़ें हमें इसमें कवर करनी है ठीक है तो इसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले चार या पांच जितने भी सूटेबल हो वहाँ पे मेन स्टेशन को बनाएंगे जैसे ये देखिए ए स्टेशन बी स्टेशन सी स्टेशन डी स्टेशन ओके तो ये जो हमारे सबसे पहले बने हुए स्टेशन होते हैं इन्हीं को मेन स्टेशन बोला जाता है इनके रेफरेंस से ही हम आगे सर्वे को कंडक्ट करते हैं ठीक है तो ये होता है हमारा मेन स्टेशन ओके द एंड ऑफ सर्वे लाइंस विच कमांड्स द बाउंड्री ऑफ सर्वे आर कॉल मेन स्टेशन ओके जहाँ से हमारी बाउंड्री होकर गुजरती है वो हमारे होते हैं मेन स्टेशन द लाइन ज्वाइनिंग द मेन स्टेशन आर कॉल्ड मेन सर्वे लाइन ओके जो लाइन इनको कनेक्ट करती है स्टेशन को मेन स्टेशन को उन्हीं को ही हम मेन सर्वे लाइन और सिंपली चेन लाइन भी बोलते हैं ठीक है द मेन सर्वे लाइन शुड कवर द होल एरिया ऑफ द सर्वे ठीक है जिसको हमें सर्वे करना है मेन सर्वे लाइन वही होती है पूरा का पूरा उसका बाउंड्री लाइन ये है हमारा मेन सर्वे लाइन और ये हमारे मेन स्टेशंस द मेन स्टेशन आर डिनोटेड बाय ट्राइंगल ठीक है इनको हम ट्राइंगल से डिनोट करते हैं और इसको ऊपर जो हम मार्किंग करते हैं वो होते हैं कैपिटल में ए बी सी डी ठीक है ए बी सी हम इस पर मार्किंग करते हैं कि कौन सा हमारा मेन सर्वे स्टेशन है और लाइन जो कनेक्ट करती है ए बी बी सी और जैसे भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो वो होती है हमारी मेन सर्वे लाइन ठीक है अब यहां से हम दो चीजें सीखे हैं मेन स्टेशन क्या होता है ये होते हैं हमारे मेन स्टेशन और इनको कनेक्ट करने वाली जो लाइन होती है वो हमारी होती है मेन सर्वे लाइन ठीक है तो यहां से दो टर्म्स हमारी कवर हुई अब हम देखते हैं सब्सिडरी और टाई स्टेश, टाई स्टेशन ये क्या होते हैं जो मेन स्टेशन के अलावा हम इसमें बीच में कोई रेफरेंस स्टेशन बनाते हैं तो वो होते हैं हमारे सब्सिडरी और टाई स्टेशन दे आर पॉइंटेड सिलेक्ट ऑन मेन सर्वे लाइन टू रन सब्सिडरी और टाई लाइन ठीक है जैसे ये आप देख सकते हैं ये एस वन एस टू ओके तो ये जो हो हमारे हैं ये स्टेशन हुए ये सब्सिडरी यानी कि सेकेंडरी आप इसको बोल सकते हैं सेकेंडरी टाइप के सर्वे स्टेशन है इनको हम क्रॉस चेक के लिए बीच बीच में मेन लाइन पे बनाते हैं ठीक है दीज आर डिनोटेड बाय ये सर्कुलर हमारा सिंबल होता है इससे हम इसको डिनोट करते हैं और एस वन एस टू एस थ्री एस की मार्किंग करते हैं ठीक है ये था हमारा सब्सिडरी स्टेशन अब आता है बेस लाइन बेस लाइन क्या होती है ये देखिए बेस लाइन हमारी आप मोटे तौर पर अगर याद रखना चाहें तो सबसे लंबी हमारी लाइन होगी लेंथ वाइज ये हमारी होगी बेस लाइन ये आप देख सकते हैं किसी भी रेक्टेंगल या किसी भी शेप में जो हमारा सबसे लंबाई वाला लेंथ होता है वो होती है उसकी डायगनल ठीक है तो ये डायगेनल शेप का हमारा होगा बेस लाइन इसको आप याद रखिए सबसे लंबी लाइन होती है ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बेस लाइन टाई लाइन चेक लाइन इन सब में से सबसे लंबी लाइन हमारी कौन सी होती है तो वो होती है हमारी बेस लाइन ठीक है द लाइन ऑन विच फ्रेमवर्क ऑफ सर्वे इज़ बिल्ट इज नोन एज बेस लाइन ठीक है इसी के बेसिस पे हमारा सर्वे लाइन जैसे ये बीच में इसको पूरे एरिया को डिवाइड कर देता है तो ये भी एक टाइप की हमारी रेफरेंस लाइन बन जाती है ठीक है एंड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन ऑफ सर्वे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होती है जनरली द लॉन्गेस्ट ऑफ द मेन सर्वे सबसे लंबी होती है ये लाइन दिस लाइन शुड बी टेकन थ्रू फेयरली लेवल ग्राउंड ठीक है इसको हम सबसे जो बीच में सबसे ज़्यादा अच्छा लेवल होगा ग्राउंड का तो वहाँ से इसको हम मेज़र करते हैं ठीक है क्योंकि उसको हम मेज़र करना काफ़ी ईजी होता है इसलिए वहाँ पर इसको हम बनाते हैं ठीक है एंड शुड बी मेजर्ड विद वेरी केयरफुल एंड एक्यूरेटली ठीक है इसकी जो लाइन लेंथ लेवल के अकॉर्डिंग हम इसको लेते हैं तो वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए क्योंकि ये हम बाद, बाद में रेफरेंस के तौर पे भी इसका यूज करते हैं ये होती है हमारी बेस लाइन अब आते हैं चेक लाइन चेक लाइन कौन सी होती है ये आप देख सकते हैं ये जो सब्सिडी स्टेशन और मेन स्टेशन को कनेक्ट करती है ये हमारी होती है चेक चेक लाइन ठीक है क्रॉस चेक के लिए द लाइन ज्वाइनिंग द एपेक्स पॉइंट ऑफ ट्राइंगल टू सम फिक्स पॉइंट ऑन द बेस लाइन इज़ नोन एज चेक लाइन ठीक है जो ट्राइंगल की अपेक्स यानी कि उसके कोई भी पॉइंट्स को उसके कोई भी एज को हम जैसे ये पॉइंट है एक ये पॉइंट है इस एक ये पॉइंट है इस ट्राइंगल के तो इसके एपेक्स को ये कनेक्ट करती है किसी भी बेस लाइन से ठीक है ये हमारी बेस लाइन है इससे कनेक्ट करती है तो ये होती है हमारी चेक लाइन ठीक है ये चेक करने के लिए होती है यानी कि क्रॉस चेक ठीक है इट इज़ टेक टू चेक एक्यूरेसी ऑफ ट्रैंगल ठीक है एक्यूरेट हमारा ट्रैंगल है या नहीं है रेफरेंस के तौर पे तो वो हम इसको चेक करने के लिए इसका यूज़ करते हैं सम लाइंस हेल्प टू लोकेट इंटीरियर डिटेल्स ठीक है कुछ चेक लाइंस होती हैं जिससे हम इंटीरियर डिटेल्स यानी कि हमारे जो लैंड एरिया है उसके बीच में क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं क्या क्या बिल्डिंग है या फिर क्या भी वहाँ पे पहाड़ी है खाई है फॉरेस्ट एरिया है तो उसको भी हम लोकेट करने के लिए इसका यूज करते हैं चेक लाइन का ये या आप याद रखिए चेक लाइन का हम यूज़ करते हैं इंटीरियर प्रॉपर्टीज को लोकेट करने के लिए भी फिर आता हमारा टाई लाइन ये होती है हमारी टाई लाइन डिफरेंस क्या है जो बेस लाइन पे और, और जो हमारा मेन लाइन है उनको कनेक्ट करती है ठीक है ये हमारी है मेन लाइन और ये हमारी बेस लाइन इन दोनों के बीच में जो हमारे सब्सिडरी स्टेशन होते हैं बिल्कुल उनको कनेक्ट करती है तो ये होती है हमारी टाई लाइन ठीक है इसको डिनोट हम सर्कुलर मार्क से ही करते हैं और टी वन टी टू इसकी हम नाम रखते हैं ठीक है तो ये होती है हमारी टाई लाइन ठीक है डिफरेंस क्या हुआ अभी हमने जो देखा इसमें डिफरेंस इसमें ये है जो मेन पॉइंट और सब्सिडरी पॉइंट को कनेक्ट करती है वो होती है हमारी चेक लाइन ठीक है सब्सिडरी दोनों पॉइंट हो तो हमारी होगा टाई लाइन ओके तो ये इसमें डिफरेंस होता है और दोनों जो मेन पॉइंट को कनेक्ट करती है और सबसे लंबी होती है वो होती है हमारी बेस लाइन और जो मेन पॉइंट को कनेक्ट करती है बाउंड्री के रूप में वो होती है हमारी मेन सर्वे लाइन ठीक है जो ये इसमें डिफरेंस होता है तो आपको ये वीडियो कैसी लगी तो मुझे कमेंट करके बताइए मेरे वीडियो का आप लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग हैवे गुड डे